अस्सलामुअलैकुम असद, मैं इस वक्त बिनते फातिमा कराची में मौजूद हूँ, ओल्ड होम नहीं कहूँगा, माओ के घर में मौजूद हूँ। और इस वक्त अफ्तारी की जो तैयारियाँ हैं, महफिल मिलाद के बाद जो आप सुन रहे हैं इतना खूबसूरत कलाम जो है, और अफ्तारी की तैयारी चल रही है, आज का क्या मेन्यू है मुझे बताइए। थोड़ा मुझे पता है कि थोड़ा सा ज़रा है, थोड़ा अफसरदा है मामला, आपने दुआ किया भाई, तो मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि आज क्या माशाल्लाह इन माओ के लिए अपने हाथ से बना रही हैं और क्यों बना रही हैं। सुबह इनको गुसल भी करवाया, सब कुछ किया, फिर उसके बाद अभी इनकी अफ्तारी की तैयारी, वजह इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है, क्यों बना रही हैं, ठीक है, अल्लाह के लिए कह रही हूँ, अल्लाह के बंदों को राज़ी करके किस तरह राज़ी हो जाए। बस आज अफ्तारी में ना मैं इनके लिए अंडा फोड़े, यानी कि अंडा बॉईल करके उसमें बेसन और अंडा फोड़े को बना रही, साथ ना चिकन के कबाब बना रही। अच्छा माशाल्लाह। मेरी पूछने की सिर्फ वजह ये थी कि पिछले रमज़ान मुबारक में और उससे पिछले रमज़ान मुबारक में अफ्तारियाँ आती थीं, लोग आते थे, रौनकें होती थी, वो नहीं है। इस वजह से मुझे इस बात की खुशी है कि आप आगे आके इन माओं के लिए, मैं खुद हैरान होता हूँ कि इस वक्त गर्मी में और आप इस वक्त इन माओं के लिए जो है खुद अपने हाथों से, और वो चीज़ें जो शायद लोग भूल गए हों। कल आपको पता है जो आपने कल बनाया उसके लिए इतने कमेंट्स आए कि लोगों ने कहा कि ये आपको आपके आइडिया आया कैसे, ये हम भी बनाएंगे अपने घरों में, तो बड़ी बात है। और भी चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह मैं शेयर करता रहूँगा, जो मिसेज फरजाना के अंदर होंगी वो मैं आपको बताता रहूँगा। बाहर जो है वो कलाम चल रहे हैं और मैं बाहर भी लोगों से मिलवाऊंगा इंशाल्लाह। मैं आऊँ अब थोड़ा सा ये बात बताऊंगा कि माशाल्लाह आज क्या क्या है उसमें अफ्तारी में। अस्सलाम वालेकुम। अरे अरे अरे, सब इस वक्त उसमें हैं, कैसे हैं आप, सब ठीक हैं? हाँ बहुत अच्छा पढ़ा। आमीन आमीन। नफीसा आपा, उन लोगों पर दुआ में याद रखिएगा जिनकी वजह से आज हम देखें ना, हम एसी में बैठे हैं, ठंडी जगह बैठे हैं, मज़े मज़े के। आमीन आमीन। उनको बहुत कुछ दिए जो हमारे लिए करते हैं, अल्लाह पे उनको कभी महरूम ना करे। आमीन आमीन। आमीन आमीन। बस ये जी कलाम पढ़ते तो रोना आ जाता है। अरे बचपन की आदत है। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे तो इस बात पे खुशी है कि आप लोगों को अच्छा लगा, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ टाइम नहीं है ना, 5:30 बजे है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इफ्तार में टाइम कम है, उसकी तैयारी भी है, इस वजह से थोड़ा सा ज़रा हो गया है, लेकिन इंशाल्लाह आगे जो है इसको मज़ीद लंबा करेंगे, ये वजह। और उनका भी रोज़ा है। हाँ ये वजह है। चलें तो बाकी ये है कि कैसा, अच्छा रहा, मज़ा आया? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है ना। आमीन आमीन। आज की बड़ी नूरानी महफिल थी ना, चले उन लोगों को ज़रूर दुआ में याद रखिएगा जिनकी वजह से आज ये माशाल्लाह महफिल मुनक्किद हुई, अब हम लोग सहरियाँ कर रहे हैं, अफ्तारियाँ कर रहे हैं। आमीन। इन बहन को भी रखे और उनको भी याद रखिए कि जो जिस वजह से हम जो है ये यहाँ पर इतना पुरनूर मंजर था, बहुत मज़ा आया यकीन करें, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया बहन, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको इसका अजर दे। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, बस दुआ में याद रखिएगा इसी तरह। सईदा आपा, अच्छा था कलाम? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, है ना, बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ा आया ना, अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप दुआ करें ना उन लोगों के लिए कि इस तरह की महफिलें, इस तरह की रौनकें मुनक्कद करते रहें। आई मैं आपको किचन में ले चलता हूँ, किचन में सुनकर जो है शदीद जो है वो फिर अफरा तफरी वाला मामला जो मैं वर्ड यूज़ करता हूँ। आज थोड़ा सा बताएँगे आज क्या है, थोड़ा सा बताएँगे आज क्या है माशाल्लाह। जी जी, बिरयानी, हलवा, जर्दा। मैं दिखाऊंगा कहाँ हलवा जर्दा कहाँ है, थोड़ा सा दिखाएं जरा, बोल बोल के गला जो है। इसमें क्या है, ये क्या है, माशाल्लाह माशाल्लाह हलवा है। और ऊपर आ जाएं। हेलो हाजरा, अस्सलाम वालेकुम हाजरा, जल्दी से बताओ आज क्या है, दे दिए आप बताया करोगे। खजूर है, ये कबाब है, ठीक है, एग से बनता है। हाँ एग से क्या बनता है, अच्छा ठीक है ठीक है, रोब्स है और अभी बाकी वो चीज़ें बन रही हैं। हाँ
अल्हम्दुलिल्लाह। और आज इसके साथ एक और चीज़ थी जो कि शायद बाहर कुछ हालात ख़राब हैं, वो मैं दिखा नहीं पाया, मेरा पूरा वो था। इसके साथ ही KFC का चिकन था, लेकिन शायद कुछ पॉलिटिकल पार्टी के शायद उसकी वजह से वो KFC बंद हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर वो डिले हो जाएगी, लेट आएगी। तो बस जी, इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, खुशियाँ देना नहीं भूलिएगा। मैं एकदम फिर यहाँ पर दिखाता हूँ कि कहाँ तक जिला पहुँचा। और इसमें एक और चीज़ है, ये फ्राइज़ है। मैं इनको ज़बरदस्त तंग कर रहा हूँ। ये क्या है? ये फ्रेंच फ्राइज बेसन लगा के, स्पेशल बेसन लगा हुआ इसको। और ये मैंने कल खाए थे, बहुत मजे के थे, इसमें कोई शक नहीं है। जी हाँ जी, जल्दी बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ऐसे ही रोज़ा रखते रहो, ठीक है, माशाल्लाह। तो बस इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। इसी तरह जो है बिनते फातिमा ओल्ड होम की माओ को अपनी ज़कात और अतियात में याद रखिएगा, और इसी तरह ही बिनते फातिमा ओल्ड होम लाहौर और इस्लामाबाद की माओ को भी याद रखिएगा। मेरी गुजारिश आपसे यही है कि ताकि इन माओ को जो है खुशियाँ देते रहें, बिनते फातिमा ओल्ड होम को मजबूत कीजिए, ताकि इन माओ को हम लोग मजबूत करें। जज़ाकल्लाह है। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। मेरा ख्याल है कि जब ये शिफ्ट हो तो मैं आपको बार बार चीज़ें शेयर करता रहूं। और इसके साथ यहाँ पे शदीद इस वक्त जो है वो अफरा तफरी का, और प्लेट जो है वो इस वक्त इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दी है, और भाई दुआ जो है वो हो रही है, और माशाल्लाह प्लेट जो है डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गई है। तो बस इसी तरह इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, और बिनते फातिमा ओल्ड होम की माओ की तरफ हाथ बढ़ाना नहीं भूलिएगा अपनी मदद का। ख़ास तौर पे जैसे मैंने कल भी फरमाया था कि लाहौर जनरेटर का जो मसला है उसमें अभी हम कलेक्शन कर रहे हैं कि इस रमज़ान हम उन माओ को इस परेशानी से निकालें जिसमें वो बेचारे अंधेरे में बैठे रहते हैं, लाइट जाने की वजह से अगर लंबी कोई लोड शेडिंग हो जाए तो वो काफ़ी देर उनको अंधेरे में बैठना पड़ता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है बिनते फातिमा ओल्ड होम की, हाँ उसकी कीमत 7 लाख रुपये है, बिनते फातिमा ओल्ड होम का साथ दीजिए ताकि इन माओ को खुश आबाद और इस तरह से हंसता खेलता रखें बुढ़ापे को, और उनको अंधेरों से निकालें जो इस वक्त लाहौर की बिनते फातिमा ओल्ड होम की माएँ जनरेटर की वजह से हैं। जज़ाकअल्लाह खैर। इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, और ढेर सारी दुआएं आपके लिए और आपके अहले खाना के लिए, और उन तमाम लोगों के लिए जो हमें मैसेजेस करते हैं, नाम भेजते हैं, यकीनी तौर पर वो हम लोग लिखते हैं और वो अमानत के तौर पर जो हम आगे पहुँचाते हैं। जज़ाकअल्लाह खैर। इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।